हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपने नेट्स के थ्रू अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, आपको जॉब कहाँ पर दिखेगा और आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो नेट्स आपके लिए कैसे यूजफुल है शुरू करते हैं। सर हम लोग सबसे पहले इसको गूगल में जाएंगे और NETS सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट लिंक आ रहा है, यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम करके, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद में अगर पहले से आपने कोर्स आपने अगर अप्रेंटिसशिप किया हुआ है नेट्स में अपने रजिस्टर जरूर किया हुआ, ठीक है, अपना ID और पासवर्ड फिलअप कर लेंगे और यहाँ पे कैप्चा फिलअप करते हैं, ठीक है। कैप्चा फिलअप करने के बाद में आपको अगर आपने कंप्लीट कर लिया है अप्रेंटिसशिप तो आपको जॉब सक्सेसन वहाँ पर शो करेगा, ठीक है, जॉब ऑफर वहाँ पर शो करेगा, अदरवाइज आपको नहीं वहाँ पर आएगा। एक बार आपने कंप्लीट कर लिया होता है तो आपको यहाँ पे जाके जॉब ऑफर होता है जिसको आपको अप्लाई करना होता है। और अप्लाई करने के बाद में आपको जैसे आपका सिलेक्शन हुआ होगा उस टाइप का ही यहाँ पे और फिर से आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो हम लोग इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में देखते हैं क्या होता है। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि नेट्स क्या होता है, इस पर ट्रेनिंग कैसे करते हैं और कितना दिनों का होता है, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए मेरा प्रोफाइल खुल गया, मैं यहाँ पे मेरा नाम दिखा रहा है, यहाँ पे ID दिखा रहा है और मेरा ये ईमेल ID और जो मैंने अप्रेंटिसशिप किया है उसका ये नंबर दिखा रहा है ID यहाँ पे, जॉब स्टेटस नॉट एम्प्लॉयड, ठीक है। डेटा ऑफ एनरोलमेंट दिखा रहा है यहाँ पे फाइल सेक्शन में, यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस में अभी कोई ऑफर नहीं दिखा रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए जॉब एडवर्टाइजमेंट करके दिखा रहा है यहाँ, ठीक है। और ये आपका जो सेक्शन है वो सर्टिफिकेट के लिए है और इसका रिलेटेड साइट है, ठीक है। अगर आपने कंप्लीट कर चुका है तो आप यहाँ से जाकर अपना GOP डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जॉब व्यू मोड जब क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा जॉब दिखाई देगा। चलिए हम क्लिक करते हैं यहाँ पे। जो कंपनी नेट्स पे अपना अगर रिक्वायरमेंट है उसका तो यहाँ पे पोस्टिंग करता है, आपको सीधे यहाँ पे सिंपली शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको शो करेगा जैसे कि यहाँ पे हिंदुस्तान कोका-कोला है, विप्रो है, फुसेको है, तो आप इजीली यहाँ से अपने हिसाब से चॉइस करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो डिपार्टमेंट है, मतलब आपका जो ब्रांच है, ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे मैं बात करूँगा, ये जो सिस्टम कंट्रोल टेक्नोलॉजी का है, इसको मैं व्यू मोड डिटेल पर क्लिक करता हूँ और करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सिस्टम नेट स्लो चल रहा है मेरा। यहाँ पे देखिए जॉब वैकेंसी अवेलेबल, ठीक है, इसका जो मतलब ये प्रोफाइल है इसका, वो पहले जो कंपनी प्रोफाइल है यहाँ पर शो कर रहा है और यहाँ पे आपको जॉब बता रहा है कि आपको क्या क्या जॉब है, ठीक है। तो आप यहाँ से सैलरी है 9500, ठीक है। एक्सपायरी डेट है 31/7/21। यहाँ पे व्यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे इसका जो नेट्स का ID है यहाँ पे आपको शो करेगा और यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और एसोसिएट नेचर ऑफ जॉब यहाँ पे आप अप्लाई करना है। सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, आपका यहाँ से इजीली अप्लाई हो जाता है, इसमें कुछ आपको फिलअप नहीं करना एक्स्ट्रा। तो देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे बता देगा कि आपका जॉब स्टेटस जो है आपने अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस सक्सेस। आपको यहाँ पे देखना कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हम सिंपली यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सेक्शन है, टैब है, टैब में जाने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में आप देखिए जॉब और जॉब के अंदर में है यहाँ पे माई एप्लीकेशन। जब वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे मैंने जितना भी अप्लाई किया हुआ है सारा रिकॉर्ड यहाँ शो करेगा और मुझे कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट किया है, यहाँ पे जाके आपको शो करेगा, ठीक है। तो अभी मेरा देखिए मेरा सारे मतलब मैं 6 कंपनी को अप्लाई किया हूँ और सब ने अभी तक मुझे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो एक्टिव में रिजेक्ट कोई नहीं किया है, यहाँ पे 0 दिखा रहा है, ठीक। यहाँ पे एक और चीज आपको जो ये दिख रहा होगा, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैं एक बार लाइट कर देता हूँ, जो आपको दिख रहा है सेक्शन, इसका मतलब मालूम क्या होता है, इसका आपको प्रोफाइल में 50 दिया जाता है, आपको आप 50 एप्लीकेशन नहीं कर सकते, उससे आपको ज़्यादा नहीं होगा। तो आप मतलब 50 कंप्लीट कर चुके होंगे, इसमें आपको मतलब 98% चांसेस है कि आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है सैलरीज का बहुत कम
होता है, मैं देखा हूँ। अपने हिसाब से मैं आपको अगर अच्छा लगता है, आपका जैसे आईटी वाले हैं, आईटी वाला सैलरी यहाँ बहुत हाई होता है, और हम लोग का मैकेनिकल हो गया, मेरा मैकेनिकल है तो थोड़ा सा कम दिखाई देता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इजिली अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद में सिंपली हम मुंबई जाएंगे। यहाँ पे आप अगर आपने किया हुआ है तो आपको यहाँ पे जो आपका मेल आया होगा सिलेक्शन का, आप मेल पे क्लिक करेंगे, आपको मेल सारे शो करेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।